बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, हाउ आर यू? होप यू डैड विल बी फाइन। आई एम योर मैथ्स टीचर। आज की हमारी मैथ्स की डायरी है, डेट 15 जुलाई 2020, लेक्चर नंबर 4, डे वेडनेसडे, मैथ्स वर्कबुक पेज नंबर 20, देन होमवर्क 1 to 8 ऑन नोटबुक। स्टूडेंट्स नो ओपन योर मैथ नोटबुक। आई होप के सबके पास मैथ्स की नोटबुक तो होगी। सबसे पहले हम लोग अपना होमवर्क करेंगे। आज डेट है 15 जुलाई 2020, होमवर्क डे वेडनेसडे, टॉपिक काउंटिंग 0 to 8। हम 0 to 8 राइट करेंगे, ओके? 1 to 8 नहीं, 0 to 8 राइट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लाउडली साथ में आप लोगों ने लर्निंग भी अपनी रखनी है। 0, 0 से स्टार्ट करना है हम लोगों ने। यहाँ पे हम अपनी पेंसिल रखेंगे, लाइन को टच करेंगे, इसकी बैली को गोल करते हुए नीचे वाली लाइन से टच करेंगे, ऊपर उठाएंगे पेंसिल को और इसका जो फेस है वो बंद कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? 0। डॉट्स के ऊपर ऊपर करना है और प्लीज़ आप लोगों ने फुल बॉक्स में राइट करना है, इस तरह से नहीं राइट करना है, ओके? ये गलत है। उसके बाद आ जाता है 1, फुल बॉक्स में आपने 1 राइट करना है। देन हमारे पास आ जाता है नंबर 2। यहाँ से हम लाइन से थोड़ा नीचे से स्टार्ट करेंगे, लाइन को टच करके इसका फेस को गोल करेंगे, नीचे लेके आएंगे, फिर लाइन के ऊपर थोड़ी सी लाइन लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा? 2। 2 के बाद आ जाता है 3। हम अपने ये 3 भी हम फुल बॉक्स में राइट करेंगे, लाइन को टच करते हुए हाफ बॉक्स में इसका हाफ सर्कल मेक करेंगे, देन हाफ बॉक्स में इसका हाफ सर्कल बना देंगे, तो क्या बन जाएगा? 3। 3 के बाद है 4। 4 को स्टार्ट करेंगे हाफ बॉक्स में 1 बनाएंगे, पेंसिल को इधर लेके आएंगे, लाइन के साथ टच करते हुए पेंसिल उठा लेंगे, दोबारा पेंसिल रखेंगे, हाफ बॉक्स में 1 बना देंगे, तो क्या बन जाएगा? 4। 5 बनाना है स्टेप 1, हम यहाँ से लेंगे हाफ बॉक्स में 1 बनाना है, देन हमने इसकी बैली को गोल करना है, लाइन के साथ टच करते हुए लाइन से थोड़ा ऊपर ले जाना है। स्टेप 2, इस लाइन के ऊपर लाइन लगानी, इस सिरे से मैच करते हुए ये लाइन लगानी है, ओके? देन आ जाता है 6। विच लेटर इज दिस? 6। यहाँ से हम लोग अपना जो है वो स्टार्ट करेंगे, लेटर लाइन से गोल करेंगे, लाइन को लाइन के साथ टच करके इसका फेस बंद कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? 6। 7 आ जाता है, लाइन के ऊपर थोड़ी सी लाइन लगानी है, फिर जो नीचे वाली लाइन है वो टेढ़ी लगा देनी है, तो क्या बन जाएगा? 7। इसी तरह 8 है, तो 3 में हमने हाफ बॉक्स में हाफ सर्कल बनाया था, देन हाफ बॉक्स में हाफ सर्कल बनाया था, तो 8 को हम फुल सर्कल बनाएंगे, इसका ऊपर वाला और नीचे वाला सर्कल जो है वो सेम होंगे, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला बड़ा छोटा नहीं होगा कोई भी। ऊपर वाले बॉक्स में हाफ सर्कल बनाया हाफ बॉक्स में, देन नीचे वाले हाफ बॉक्स में हाफ सर्कल बना दिया, तो क्या बन जाएगा? 8। इसी पैटर्न से आप लोगों ने अपना होमवर्क जो है वो नीट एंड क्लीन करना है, ओके? नाउ ओपन योर मैथ वर्कबुक पेज नंबर 20। डेट है 15 जुलाई 2020, रिकग्निशन ऑफ नंबर 8। सबसे फर्स्ट पे हमारे पास ये है, स्टोरी है एक, सुना ऑफ आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर केयरिंग ऑफ नेबर्स। ज़ारा ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ हर नेबर्स। द ओल्ड वुमैन इन द नेबरहुड इज़ वेरी सिक। ज़ारा गेव 8 एप्पल्स टू हर, टेल योर टीचर एंड पेरेंट्स। सॉरी, 8 एप्पल्स टू हर, व्हाट विल यू डू इफ योर नेबर्स इन इज सिक। स्टोरी में हमारे पास ये था कि ज़ारा जो है वो हमेशा अपने जो नेबर्स, जो उनके नेबर्स में रहते हैं उनका ख्याल रखती है। उसके नेबर्स में जो है वो एक बुरी सी खातून रहती हैं जो बीमार होती हैं। ज़ारा उनके लिए प्लेट में 8 एप्पल्स रखती है। हम काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एप्पल्स लेके उनके लिए जाती है, तो उनको दे देती है। इसी तरह उन्होंने कहा है कि हमें भी अपने नेबर्स में जो रहने वाले हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, और इसके बारे में आप अपनी मामा से भी पूछें
مزید جو ہے ہمارے جو ہم پہ فرض ہے کہ ہم اپنے نیبرز کا کس طرح سے خیال رکھ سکتے ہیں، اور یہ ہمارے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہیں ان کی بھی یہ سنت ہی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے نیبرز کا خیال رکھتے تھے، اسی طرح ہمیں بھی اپنے نیبرز کی کیئر کرنی چاہیے۔ اور کیا آپ لوگ اپنے نیبرز میں جو رہنے والے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں جو بیمار اور جو بوڑھے ہوتے ہیں؟ ہمیں تو ان کا خیال رکھنا چاہیے نا۔ اس کے بعد ہیں ریکگنائز اینڈ رائٹ۔ آج ہم نے جو ہے وہ جو رائٹ کرنا ہے وہ نمبر کیا ہے؟ ایٹ۔ ایٹ آپ کس طرح سے رائٹ کریں گے؟ یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے، ایروز کے اوپر اپنی پینسل کو اچھی طرح سے چلانا ہے آپ نے۔ ایٹ، دین نیچے والا آپ نے سرکل بنا دینا ہے۔ Which letter is this? 8. Dots کے اوپر اوپر کرنا ہے۔ Writing should be very neat and clean. 8. آج ہم کیا رائٹ کر رہے ہیں؟ 8. ایٹ، وچ لیٹر نمبر از دس؟ ایٹ۔ ایٹ، الحمدللہ وی ہیو ڈن اور ورک۔ اوکے، اللہ حافظ۔